नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा बहुत प्राचीन है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति इसके अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। इसलिए इसकी प्रकृति के बारे में भी भिन्न भिन्न विचार पाए जाते हैं। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से राजनीतिक चिंतन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को शास्त्रीय चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। परंपरावादी विचारकों में मुख्य हैं प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, कांट, हिगेल, मॉन्टेस्क्यू तथा मिल, कार्ल मार्क्स के नाम उल्लेखनीय हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहला है वर्णनात्मक अध्ययन। परंपरागत चिंतन का मुख्य विशेषता यह है कि मुख्यतः वर्णनात्मक है, जिसका अभिप्राय यह है कि केवल राजनीतिक संस्थाओं और उससे संबंधित समस्याओं का वर्णन मात्र किया जाता है। उस संस्था में सुधार व समस्याओं को दूर करने के लिए कोई सुझाव या समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाता। अतः इस प्रकार का अध्ययन ना तो व्याख्यात्मक था और ना ही विश्लेषणात्मक, मात्र वर्णनात्मक था। दूसरा है समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। परंपरागत लेखकों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचनाओं की गई हैं, उसमें मुख्यतः उन समस्याओं का वर्णन किया गया है जो तत्कालीन समाज में मौजूद थी। अतः इन विद्वानों द्वारा उन समस्याओं के लिए स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश की गई है। प्लेटो ने यूनानी नगर राज्यों में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दार्शनिक राज की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मैक्यावली इटली की तत्कालीन दुर्दशा को देखकर राजा को अपने राज्य को विस्तृत तथा मजबूत करने के लिए झूठ, कपट, हत्या, अन्य सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने का अधिकार व आदेश देता है। इसी प्रकार हॉब्स भी अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए अपनी पुस्तक लेवियाथन में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। इस प्रकार परंपरागत चिंतकों द्वारा मुख्य तत्कालीन समाज में मौजूद समस्याओं के समाधान की तरफ ही ध्यान दिया गया है। तीसरा है दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र का प्रभाव। परंपरागत चिंतन की एक अन्य विशेषता यह रही है कि वह धर्म और दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं तथा उनमें नैतिक मूल्य विद्यमान रहे हैं। प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में इनका कम प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि मुख्य युग में ईसाई धर्म के चिंतकों ने चिंतन को बहुत प्रभावित किया है। राज्य और धर्म के झगड़ों में यूरोप के कई विद्वान द्वारा धर्म का पक्ष लिया गया है और कहा गया है कि धर्म राज्य से प्रथम श्रेष्ठ है तथा धर्माधिकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका समर्थन सर्वप्रथम थॉमस एक्विनास द्वारा किया गया, बाद में विलियम ओकम ने इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया। अगला यानी कि चौथा है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन। परंपरागत अध्ययन मुख्यतः कानून द्वारा निर्मित औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित था तथा संस्थाओं का मात्र संरचनात्मक अध्ययन किया जाता था। इन विचारकों द्वारा औपचारिक संस्थाओं से बाहर जाकर अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया गया। लास्की और मुनरो आदि जैसे विद्वानों ने भी अपने अध्याय और संस्थाओं को कानूनी
वो औपचारिक रूप से अध्ययन किया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। यदि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की का सवाल है तो इसके निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान अनुभाविक पद्धति का रहा है। सबसे बड़ा योगदान अनुभाविक पद्धतियों का रहा है जिसके जिनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए जिसके अंतर्गत सिद्धांतों और तथ्यों का मूल्यों का बराबर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसी विधाओं से भी खुलकर सहायता ली जाने लगी है। इसके प्रभाव के कारण ही शक्ति प्रभाव सत्ता राजनीतिक अभिजन राजनीतिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास जैसी विभिन्न अवधारणाओं को जन्म हो पाया है। शक्ति सिद्धांत में विशेष योगदान चार्ल्स मेरियम और हेरोल्ड लासवेल का हो रहा है। वहीं मोस्का पेरोटो और रॉबर्ट मिचेल्स ने राजनीतिक अभिजन का धारणा को विकसित किया है। डेविड ईस्टन ने भी इस आस्था में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया का निवेश एवं निगर्त के माध्यम से समझाया है। युद्ध और शांति पर्यावरण बेरोजगारी असमानता और सामाजिक विक्षोभ ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं जिनकी तरफ सिद्धांत शास्त्रियों का विशेष ध्यान रहा है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आने वाली वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के महत्व। दोस्तों यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।